मुर्शिद इमरान खान, मुर्शिद इमरान खान। आप मुझे आप किसको वोट देंगे? जिसके नाम पर पाबंदी है, जिसके नाम पर पाबंदी। किसको दोगे? एनपी को। एनपी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। तो आज हम आए हैं फिर से यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सवाल लेकर जिसके आप सब लोग बेइंतहा इंतजार कर रहे थे। आपको पता है कि आजकल ये चल रहा है, जो भी किसी से मिले तो वोट किसको दोगे, वोट किसको दोगे। तो इसी बेस पर मैंने एक वीडियो बनानी चाहिए कि मैं बनाऊँ एक वीडियो विदाउट मतलब पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पर रहे कि एज ए रिसर्च बेस के ज़्यादातर स्टूडेंट किसको वोट देंगे। तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो किसको वोट देगा और उनका कैसा नज़रिया है, लेकिन हर किसी का अपना अपना नज़रिया है अकॉर्डिंग टू पार्टी। तो चलो पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक जी। तो हम सेट तो शायर जी, तो हमारे साथ एक नौजवान खड़ा है, तो इससे क्वेश्चन करेंगे कि ये किसको वोट देंगे। अब बताएं मुझे आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान को। कैदी नंबर 804 को। कैदी नंबर 804? यस। अच्छा, वो क्यों देंगे उसको वोट? वो हमारे लिए ठीक है ना, मतलब अगर हम वैसे भी बात करें तो वो हमारे पाकिस्तान के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा, बाकी लोगों की निस्बत से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो है, क्या है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं लगचपशा यार भीड़ हो रहा हूँ ना, कहते पिछले का हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। ऐसे पोस्टों में सवाल करते बहुतों के अंदर पोस्ट को माँ कचरी इमरान खान पर खिलाफ स्टापलार उतरेगी न तो बचा लो उठवार की जब हालात तो गोरम हालात तो बस गोरम कचरी जमाफलार दागबान ये पगलत हो जब बिल्कुल ला पनीजिरा के मुंगा फ्रीडम हासिल दे मुंगा मतलब दफलार पंजीबा निदा हक नष्ट जितो दे जमा पनीजिरा लार से दहर सड़ी खपलख पले नजरिया दा नुजब हालात तो गोरम के जमाफलार प दागबान ठीक हो नौजवान से जो आई थिंक सो पता नहीं किसका सपोर्टर है, भाई साहब रुकिए जरा, वोट किसको होगी? जिसके नाम पर पाबंदी है। जिसके नाम पर पाबंदी है, आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हो? इमरान खान। इमरान खान, अच्छा आप क्यों दोगे उसे वोट? वो बस वैसे ही मतलब आपको पसंद है? पसंद। नजरिया क्या है मतलब वोट देने के पीछे? बस नजरिया कुछ खास नहीं है, लेकिन बस वैसे इमरान खान मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये सिर्फ पसंदीदा पसंद के बेस पर इमरान खान को वोट देगा? पर्सनालिटी। अच्छा, नजरिया को नहीं देखोगे? नहीं, बस मैं पॉलिटिशियन में नहीं हूँ। क्यों आज पॉलिटिक्स में नहीं हो, सिर्फ नहीं, पसंद है आपको? चलो, देयर्स अमेजिंग, पसंद के बिना पर ये दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। हमारे साथ एक नौजवान, तीन नौजवान है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप वोट किसको दोगे? یار اوټخو مس غنیشت سره خاص نظریه قبایل له پدې چې کوم وزیر اعظم راغله قبایل له ډیر سپک کتلې دي او قبایل علاقې په وجه باندې ان شاء الله ورته عالم نور کوي بایکاټ تو یې جی بالکل ووټ سے بایکاټ ہے ان سے پوچھتا ووټ کس کو دوگے عمران خان کو کیوں عمران خان کو دوگے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں تو اس لیے تو نظریہ کیا ہے آپ کا کہ عمران خان کا ووٹ وہ اچھا آدمی ہے نا अच्छा आदमी है सिर्फ अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है उसने काम बहुत अच्छे है सेहत कार्ड लाया है पाकिस्तान में और सी बहुत सी काम है That's amazing. इनसे पूछते हैं, आप वोट किसको दोगे? एनपी को। एनपी को, और आपका नजरिया क्या है एनपी को वोट देने के? बाचा खान का नजरिया है। बाचा खान का नजरिया, लाइक क्या पॉइंट आपने एनपी वालों में नोट किया जिसकी वजह से आप वोट दोगे? पख्तूनों के हक के लिए खड़ा होता है, इसलिए पख्तूनों के हक के लिए खड़ा होता है। अगर मुर्शिद इमरान खान, मुर्शिद इमरान खान, आप वोट किसको दोगे? ओनली पीटीआई, ओनली पीटीआई। अच्छा, आप किसको वोट दोगे? यारों के यार इमरान खान। यारों का यार इमरान खान, आप किसको वोट दोगे? द ब्रांड इमरान खान, द ब्रांड, द किंग। नाइस। अच्छा, आप चारों मुझे बताएं कि आप लोगों का नजरिया क्या है, क्यों आप इमरान खान को वोट देना चाहते हो? इमरान खान को वोट इसलिए देना चाहते हो, उन्होंने हमारे लिए, हमारे हकूक के लिए अमेरिका के सामने खड़े होकर एब्सोल्युटली नॉट कहा। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। और आप? I like him. Like mostly people सिर्फ personality को like करते इसी वजह से देते हैं। और आप? बस दागा तो possible कस दिशा नो। दागा तो possible कस दिशा। हाँ, बस दाग क्या होते पड़े? Tool आ रखा है, और ये पड़े tool मल के। सुनिए दे। इमरान खान। इमरान खान। चलो जी, thank you। इनसे पूछेंगे। वोट किसको दोगे? अवामी नेशनल पार्टी को। आपका नजरिया क्या है वोट देने? खपल खाओ और खपल इख्तियार
अवामी नेशनल पार्टी ने सूबाई हुकूमत में यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, बहुत सी तरक्की के काम किए, इसलिए मैं जी। तो इनका नज़रिया है कि अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत तरक्की याफ्ता काम किए हैं, सबके नज़रिए कि हम पाबंद हैं, लेकिन थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर आंसरिंग, जज़ाकअल्लाह जी। यहाँ पर किसी और ग्रुप के साथ जाते हैं, पूछते हैं कि वो क्या क्या देगा, तो उसने तो बहुत स्कूल शोले का जी। तो यहाँ पर हमारे साथ नौजवान खड़े, इनसे पूछते हैं कि आप किन को वोट देंगे? हम तो बस इमरान खान के। इमरान खान को नज़रिया क्या है वोट देने का? बस क्या बाबा के साथ। अच्छा मिलमई, खैर देखें यार, नज़रिया क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी मतलब गेस्ट आए हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या नज़रिया आपका? नज़रिया तो सिर्फ फैन है, पसंद है, पसंद है। अच्छा, फैन फॉलोइंग है। इनसे पूछते हैं आप किसको वोट दोगे? इमरान खान। मतलब नज़रिया क्या है यार इसके पीछे? बस पसंद है यार वो, पसंद है यार, ज़्यादातर लोगों को पसंद है इमरान खान, इसी वजह से। इनसे पूछते हैं वोट किसको दोगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? बस वो तो हमारा जान है। अच्छा, इसका जान है इमरान खान। तो यहाँ पर एक और बंदा है, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह। अरे भाग गया, यहाँ पर ज़्यादातर लोग डरते हैं, कैमरे के सामने आते नहीं है, इसी वजह से। चलो यहाँ पर एक बंदा, आई थिंक सो, हाँ देखो रहा देव गिरा वाले मो, यहाँ पर एक बंदा है, कर से शेर तो यार कैमरा, यहाँ पर एक बंदा है, उससे पूछते हैं कि वो किसको वोट देता है? इतना बंदे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबर सबर, पूछता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, आप वोट किसको दोगे? मैं खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ इंशाल्लाह एज आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि आई थिंक कि कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन मेरे हिसाब से कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा, क्या क्या बोला तूने? ए, पहले क्या? मेरे हिसाब से कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब खुद को खुद वोट दोगे? लोग मुझे वोट देंगे क्या मतलब? अच्छा लोग, और आपकी पार्टी का नाम मुझे पता नहीं था, मैं भी आप देख सकते। अच्छा, डिसाइड करेगा। अच्छा डिसाइड, इससे पूछता है आप किसको वोट दोगे? ज्यादातर लोग जो है इमरान खान स्पिन खान का सपोर्ट। हाँ यार देखो यहाँ पर कैमरा मैन से, आप किसको सपोर्ट करो? स्पिन खान। स्पिन खान, अच्छा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, वो आजादों से। अच्छा, और अगर ऐसा नजरिया था, मतलब क्या नजरिया है उनसे? उसका जो नजरिया है वो बहुत आम है, वो आम आदमी आम लोगों को जो है ना सपोर्ट करता है। देखे जरा, मतलब हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, तो आई रिस्पेक्ट दैट नज़रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, सादर सादा हया सादर है, कैसे सादर है? हाँ हया सादर वाले बंदा खड़ा है यहाँ पर स्पिन सा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ में। अच्छा बताए किसको वोट? सलाम फवल को वोट किसको? अब जब बंदा ये बोले तो दोबारा पूछने की जरूरत भी नहीं है, तो किसी और से पूछते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग ड्रेस में एक बंदा खड़ा, किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को, यार ये क्यों हर एक स्टूडेंट मतलब इमरान खान को ही वोट देता है, इसके पीछे राज क्या है? बस वही बंदा है जो हमारे सारे निज़ाम को, करप्ट निज़ाम को बदलने वाला है, वही सवाद बंदा है। आप ये बाकी सारों को देख ले तो इसमें तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा जो हमारे इस निज़ाम को बदल दे। हमारे आजकल देख लें तो जितनी भी यूथ है, जितने ये यंगस्टर हैं, यहाँ पर ना जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर डिग्री ली बाहर भागने की बात कर रहे हैं। इमरान खान है तो हमारे लिए कुछ कर लेगा, यही निज़ाम जो है हमारे लिए बेहतर बना देगा। और जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं भी सही, इसका नज़रिया ये है, तो इसने खूब रिसर्च की होगी, इस बेस पर बोल रहा होगा। थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यूर नज़रिया, जज़ाकअल्लाह। इनसे पूछते हैं यार, ये बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आया है, आप किसको वोट दोगे? हम पीटीआई को। वो क्यों? क्योंकि वो हमारा जान है। वो हमारा जान है और क्या है, और दिल का धड़कन भी है। दिल का धड़कन और क्या है, बस सब कुछ है हमारे, सब कुछ है, और दैट्स अमेजिंग, थैंक यू जी। तो इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको दोगे? मैं मेहरबान को वोट दूंगा। मेहरबान मतलब एक्सप्लेन करें जरा। नहीं नहीं, बस ये वीडियो जो भी देखेगा वो समझ। अच्छा मेहरबान, ये मेहरबान को सपोर्ट करेगा। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये मेहरबान कौन है, अगर आपको पता हो कौन सी पार्टी है, तो दैट्स अमेजिंग, जज़ाकअल्लाह, आई रिस्पेक्ट यूर मेहरबान जी। तो अब तक के लिए इतना ही, इसके बाद हम इख्तिताम लेते हैं आज के दिन का, देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम पूछते हैं डिफरेंट लोगों से सवाल। तो आज के लिए इतना ही, मेरा काम है बाबा, मैं जाता हूँ कैमरा मैन से।